अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ रहे थे वफाकी निज़ाम हुकूमत के बारे में। किस निज़ाम में मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम कैसे होती है, और इसके अलावा मरकज़ और सूबों के दरमियान या फिर सूबों के आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है। हमारे कुछ पॉइंट्स रहते थे, उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है इंतज़ामी ताल्लुकात। 1973 के आयन में हमने देखा था कि सूबों को दाखिली खुद मुख्तारी दी गई थी। सूबों का जो एक दरीना मुतालबा था कि उनको वसी इख्तियार दिए जाए, उसको मान लिया गया था, यानी कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार थे। लेकिन साथ ही वफाक पाकिस्तान को सलामत रखने के लिए और कौमी तशक्कुस की हिफाजत के लिए मरकज़ और सूबों में ऐसे ताल्लुकात भी कायम किए गए कि कोई भी सूबा वफाक से अलहदा नहीं हो सकता और ना ही खुद सरीक तैयार कर सकता है, यानी कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में खुद मुख्तार है, लेकिन इसके बावजूद अलग नहीं हो सकते, अपने अलग से रियासत कायम नहीं कर सकते। और दस्तूर में कुछ ऐसा भी इंतज़ाम किया गया था कि वफाकी हुकूमत सूबाई सतह पर अपनी बरतरी को भी मनवा सकती है। इससे यह होगा कि मरकज़ और सूबों के दरमियान जो तआवुन की फ़िज़ा है वो बरकरार रहेगी और अमन अमान के क़याम के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। नेक्स्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है और हर सूबे में हाई कोर्ट्स बनाई गई हैं, और तमाम सूबों की जो हाई कोर्ट है वो अपने अपनी कारकर्दगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे हैं। सूबाई निज़ाम अदलिया को मरकज़ से अलग नहीं रखा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी सारे इख्तियारात ऐसे दिए गए हैं कि जिससे वफाकी हुकूमत की बरतरी को मज़ीद जो है वो साबित किया गया कि वफाकी हुकूमत की एक बरतर हैसियत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटीज़ हैं उनमें से एक ये भी है कि वो दस्तूर के तहफ़ की ज़िम्मेदार है, यानी कि दस्तूर की हिफाजत का काम क्यों करती है, तो इसलिए भी वो सूबों पर असरअंदाज हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हंगामी हालात। जो रोज़मर्रा के मामूल में जो गवर्नर होता है किसी भी सूबे का, वो वज़ीर आला और वज़रा के मशवरों का काफ़ी हद तक पाबंद होता है। हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इसके अलावा भी 1973 के आयन में कुछ इस तरह से किया गया था कि वफाकी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वज़ीर आज़म सदर जो है वो वज़ीर आज़म और वज़रा के मशवरे का पाबंद होता है, और सूबाई लेवल पे अगर देखते हैं तो गवर्नर जो है वो वज़ीर आला और वज़रा के मशवरों का काफ़ी हद तक पाबंद है। लेकिन अगर मुल्क में या मुल्क के किसी एक हिस्से में या किसी एक सूबे में हालात इतने संगीन हो जाते हैं कि मरकज़ी हुकूमत को मदाखलत की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या होगा? फिर वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो खुसूसी इख्तियार संभाल ले, मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान कर दे, और जो गवर्नर होता है उस मुतल्लिका सूबे का, जिस सूबे में अगर कोई मसला चल रहा है तो उसको वो तमाम इख्तियार सौंप देती है, वो बराह रास्त सूबे का निज़ाम चलाने का ज़िम्मेदार होगा। और इससे ऐसी ये जो सूरत हाल होती है इसको गवर्नर राज कायम हो जाना कहते हैं कि गवर्नर राज कायम हो जाता है, यानी कि गवर्नर खुद जो है वो सारे सूबे का नज़्म व नस्क चलाता है और वज़ीर आला और वज़रा जो है उनको सबकदोश कर दिया जाता है या फिर मुअत्तल कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये तो थी हंगामी हालात में सूरत हाल कि हंगामी हालात में सूबों के पास कौन से इख्तियार हैं और मरकज़ी हुकूमत के पास कौन से इख्तियार हैं। नेक्स्ट है बिरूनी जहरीत। अगर मुल्क को बिरूनी जहरीत का ख़तरा हो और पूरे मुल्क में किसी मखसूस इलाके में सूबे में दुश्मन के साथ गर्मियाँ शुरू हो चुकी हों, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करते हुए हंगामी हालात का ऐलान कर सकता है, यानी कि सदर पाकिस्तान मुल्क में एमरजेंसी नाफिस कर सकता है। अब एमरजेंसी लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी तौसीक कौमी असम्बली कर दे कि एमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी। तो अगर कौमी असम्बली तौसीक कर देती है तो ये हंगामी हालत 2 माह के लिए कायम रह सकती है, और फिर भी अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं होते तो इसको मज़ीद 2 माह तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर कौमी असम्बली इसकी तौसीक नहीं करती तो फिर ये 2 माह के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से एमरजेंसी नहीं लगाई जा सकेगी। नेक्स्ट है इसमें